साहब जी, फिजा को देखे ना, कितनी कमजोर होती जा रही है, कुछ खाती पीती नहीं। जब बाजी को पता चलेगा ना, वो मुझे बहुत डांटेगी। भाई आप इनकी पसंद की चीजें बनाए करें ना। देखे ना साहब जी, सब कुछ इसके पसंद का बनाती हूँ। फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं, निगर्स बनाए हैं, कल तो मैंने इसके लिए कस्टर्ड भी बनाया था, मगर इसको तो कुछ भी खाना पीना नहीं होता। सर तुम भी कुछ देख लिया करो यार, मुझे परोसने की बजाय इस बच्ची का ख्याल करो। 5 दिन में क्या हालत हो गई है उसकी यार। मुझे तो ये सब कुछ नहीं पकाना आता ना जी, नूरी जानती है, मैं तो देसी पकवान पकाती हूँ। ड्रामे देखती हो? देखती हो ना, इसी तरह कुकिंग शोज भी देख लिया करो यार, कुछ सीख लोगी कॉमन सेंस की बात। इसको तो सिर्फ बाजी ही कंट्रोल कर सकती हैं। नूरी क्या बातें करी, कोई रनिंग कमेंट्री नहीं चाहिए। गो। जी साहब जी, आप नूरी को बोलने का मौका ना दिया करें ना जी। क्या मुझे दिखता नहीं है, अंधा हूं मैं। उमर की होया है जी, हालत देखो बच्ची की क्या हो गई। मामा के पास चले हम। उमर मेरी गल तो सुनो ना जी। दादू। अरे ओए, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया? तो फिलसा बेटी आ गई। सीने में ठंडक पड़ गई। जाओ बेटा, तुम्हारी मामा जानी अंदर, उनसे मिल लो। अस्सलाम वालेकुम मामू। कैसी है कुम? उमर साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमें कोमल के मामले को सीरियसली लेना चाहिए। आपने मेरी बात को मजाक समझा, मैंने मजाक नहीं किया था। क्यों मुझे गैर बना रहे हैं? गैर? सिर्फ कोमल मेरी अपनी है, मेरी अपनी बच्ची। और गैर तो आप उसी दिन हो गए थे जब आपने दूसरी शादी की थी। ये बात ना करें मेरे साथ, हमें उसी वक्त कोमल के रिएक्शन को सीरियसली लेना चाहिए था। मैंने बहुत गलती की उसे दोबारा आपके घर भेजकर। मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं सुननी मुझे कोई बात, कोई बात नहीं सुननी। अब आप दोनों के दरमियान अलहदगी हो जाए तो बेहतर, और घर का मामला है, बात घर में रहे तो बहुत अच्छा है। मैं अदालतों के चक्कर नहीं लगा सकता। हम बीवी है वो मेरी, पहली बीवी। मर्द उसी वक्त दूसरी शादी करता है जब पहली बीवी के लिए उसके घर में जगह बाकी ना रहे। वैसे सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा। उमर साहब, अल्लाह ताला ने भी तलाक इसलिए रखी है कि एक दरवाजा बाहर जाने का खुला रहे और लोगों की जिंदगी आसान हो। अब आप चाहें, मैं अपनी बेटी को मजीद अपसेट नहीं करना चाहता। उमर आया था? हाँ आया था।
चला गया वापस। क्यों? इसलिए कि मैंने उसे कहा जाने को। बेटा तुम्हें एक दफा की कही हुई बात क्यों नहीं याद रहती, क्यों नहीं समझ पाती? कोमल बेटा, जिस दिन तुम्हें अपनी कदर करना आ जाएगी ना, उस दिन तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। इतनी नेगेटिविटी में घर आबाद नहीं हुआ करते, जल जाया करते हैं। मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर रहे हैं। फ्रेंच फ्राइज पे खाना नहीं खाया? मेरा आम तो वो कह रहा है मैं गले में लगता हूँ। मेरा भी आपको मैं वैसे नहीं लगता। चलो मुझे फोन दो, आपके लिए फ्राइज ऑर्डर करते हैं।